Hello guys, welcome back to Ambition Nursing Classes. In this class, we are going to learn about antidepressants. So, what is antidepressants? Antidepressants are the psychiatric drugs which are used to alleviate the mood. Okay, so these are the medications जो हम देते हैं depression वाले patient को, like जैसे नाम बता रहे antidepressants, मतलब depression के लिए हम medicines जो देते हैं antidepressants जो हमारे mood को alleviate करते हैं. So इसकी mode of action हम study कर लेते हैं कि कैसे ये काम करता है. So certain brain chemicals called neurotransmitters होते हैं which are associated with the depression. कौन कौन से होते हैं हमारे जो depression के साथ associated होते हैं, वो है serotonin, norepinephrine and the dopamine. Okay. So most antidepressants inhibit करते the reuptake of neurotransmitters into nerve cells and block the nerve cell receptors. ठीक है, अभी इनके जो देखो ये जो है ना, ये सब कम हो जाता है डिप्रेशन में हमारा, तो एंटी डिप्रेशंस क्या करते हैं, इनका जो री अपटेक होता है ना, री अपटेक को इनहिबिट करती है, री अपटेक को इनहिबिट करेगी, तो वहाँ पे जो हमारे ब्रेन में जो है इनका न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है, तो हमारा मूड जो है एलिविएट हो जाएगा. सो दिस प्रोवाइड मोर न्यूरोट्रांसमीटर टू द ब्रेन विच बूस्ट्स मूड. क्लियर? सो आपको यही मोड ऑफ एक्शन जो है याद रखना है, तो जो कि आपको हेल्प करेगा डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो एंटी डिप्रेसेंट्स है उनके मोड ऑफ एक्शन याद करने के लिए. सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन वीडियो जिससे आपको मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो जाएगा. सो सी हियर, यहाँ पे हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर प्री साइनेप्टिक उससे हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोन पे जा रहा है, ठीक है, एंड देन ये हमारा इसका यहाँ से री अपटेक होके वापस जा रहा है. सो हमारे एंटी डिप्रेसेंट्स क्या कर सकता है, जैसे हमने ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दे दिए, वो जो ये रिसेप्टर साइट है इसको ब्लॉक कर देगा और यहाँ से जो हमारा इसको नहीं जाने देगा, है ना, अब जाने नहीं देगा, तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे नर्व वो है पोस्ट साइनेप्टिक पे ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमारा मूड एलिविएट हो जाएगा. जस्ट सी दिस वीडियो वंस अगेन. यस, यहाँ पे हमारा रिसेप्टर री अपटेक इनहिबिट हो गया, हमारा जो रिसेप्टर साइट है वो ब्लॉक हो गया, सो हमारा मूड एलिविएट हो जाएगा. क्लियर? तो यही मोड ऑफ एक्शन आपको याद रखना है. डिफरेंट हमारे क्लासिफिकेशन में डिफरेंट रिसेप्टर्स ब्लॉक होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा 5-HT रिसेप्टर्स ब्लॉक हो रहा है, यहाँ पे हमारे नॉन एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर्स ब्लॉक हो रहे हैं. क्लियर? सो वी हैव डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स. क्या क्या हैं? फर्स्ट इज मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, सेकेंड इज ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जिसको हम TCAs भी बोलते हैं, देन सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, सिलेक्टेड नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, देन एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स. ओके, सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के बारे में. सो दीज आर द फर्स्ट एंटी डिप्रेसेंट्स टू बी यूज इन 1950s में, जो यूज हुए थे, जो सबसे पहले यूज हुए थे. एक चीज़ याद रखना, ये हैं जो सबसे पहले आए थे, बट जो फर्स्ट लाइन ड्रग होते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स वो होते हैं हमारे SSRIs. ओके, सो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन इज दे प्रिवेंट द एंजाइम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज फ्रॉम मेटाबोलाइजिंग द 3 न्यूरोट्रांसमिशन मेंशन्ड बिफोर. कौन कौन सा? डोपामिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन. ओके, एज रिजल्ट मोर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर अवेलेबल टू द ब्रेन. ठीक है, ये जो है एंजाइम मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो है वो 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स को आगे मेटाबोलाइज नहीं होने देता, तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोनोअमीनाइज है डिग्रेड होके यहाँ पे हमारा डोपामिन रिलीज होता है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इसको मेटाबोलाइज नहीं करेगा, जिसके थ्रू हमारा जो डोपामिन का लेवल है ना वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल आर फिनाइलएल्जाइन, आइसोकार्बोक्साइज एंड सेलेजलाइन. ओके, सो इसके साइड इफेक्ट्स हमें पढ़ने हैं. साइड इफेक्ट्स में द फर्स्ट इज ड्राउजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, ड्राई माउथ. सो हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर ड्राई माउथ है तो हम पेशेंट को क्या बोलेंगे, टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स. ओके, देन हाइपोटेंशन, हेडेक, रेस्टलेसनेस, ब्लर्ड विजन, इंक्रीज डायफोरेसिस. क्लियर? सो आपको साइड इफेक्ट्स इसके याद करने पड़ेंगे. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सेफ्टी कंसर्न, क्या होता है
मोनामिनेस ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ एक है फूड या बेवरेजेस डेट कंटेन हाई लेवल ऑफ टायरामिन, वो आपको स्टॉप करने होंगे ड्यूरिंग थेरेपी, ड्यूरिंग मेडिकेशंस. आपको जो फूड्स हाई लेवल ऑफ टायरामिन में हैं वो नहीं लेनी. जैसे कौन से फूड्स? चीज़, ईस्ट, पिकल्ड फूड, चॉकलेट्स, सर्टेन मीट्स एंड अल्कोहल. वाई क्यों नहीं लेने? बिकॉज इट कैन कॉज हाइपरटेंसिव क्राइसिस. ठीक है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस. वन मोर थिंग, अनदर सेफ्टी, एक स्टार पॉइंट आपको याद रखना है कि मोनोअमिनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ नेवर गिव एनी अदर एंटी डिप्रेसेंट. ओके, तो आपको कभी भी मोनोअमिनेज के साथ दूसरा एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं देना. आफ्टर, मतलब इसके आफ्टर 2 वीक्स ऑफ स्टॉपेज, आफ्टर 2 वीक्स, इसके 2 वीक्स स्टॉप होने के बाद ही एंटी डिप्रेसेंट कोई दूसरा देना है. क्लियर? ये आपको ये चीज़ याद रखनी है. मोनोअमिनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ कोई भी दूसरा एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं देंगे. अगर हमारे जल से, ब्लड से मोनोअमिनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स को निकलने में 2 वीक्स का टाइम लगता है, तो आफ्टर 2 वीक्स ऑफ स्टॉपेज तभी हमें दूसरा एंटी डिप्रेसेंट्स देना है. क्लियर? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स. सो ट्राईसाइक्लिक, इसका हमारा मोड ऑफ एक्शन क्या होगा? द ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इनहिबिट मोनोअमिनेज अपटेक एंड इंटरैक्ट विद वैरायटी ऑफ रिसेप्टर्स लाइक मिस्कैरिनिक, अल्फा एड्रिनर्जिक, हिस्टामिन H1 एक्सेट्रा. अब एग्जाम्पल क्या होते हैं इसका? इमिप्रामीन, एमिट्रिप्टलीन, डॉक्सिपिन, नॉरट्रिप्टलीन. ओके, सो इसका भी सेम मोड ऑफ एक्शन है, ये इनहिबिट करता है मोनोअमीन अपटेक को. ठीक है, जैसे हमने बताया था ना, ये प्री साइनेप्टिक है, ये पोस्ट साइनेप्टिक है, तो इसके अपटेक को इनहिबिट कर रहा है. तो यहाँ पे किसका इनहिबिट कर रहा है वो आपको देखना, मोनोअमीन. ठीक है, एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? ड्राई माउथ, बैड टेस्ट, कॉन्स्टिपेशन, एपिगैस्ट्रिक, ब्लर्ड विजन, वेट गेन. सो आपको याद रखना है कि एंटी डिप्रेसेंट्स में जो मेजर साइड इफेक्ट्स होते हैं वो होता है मोस्टली में वेट गेन, ब्लर्ड विजन, या फिर विजन चेंजेस आप बोल सकते हो. ठीक है, दूसरा होता है ड्राई माउथ एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन. ठीक है, सो बिफोर गिविंग एनी एंटी डिप्रेसेंट्स आपको पेशेंट को ये सब एक्सप्लेन करना होता है अबाउट सेक्सुअल डिसफंक्शन. ठीक है, वेट गेन. ठीक है, नेक्स्ट अदर एडवर्स इफेक्ट आर स्वेटिंग, फाइन ट्रेमर्स, पोस्चुरल हाइपोटेंशन. इसमें एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स भी आते हैं लाइक ड्राई माउथ, तो हमको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स बोलना है. ब्लर्ड विजन होता है तो आपको पेशेंट को बोलना है कि ड्राइविंग वगैरह अवॉइड करना है आपको. ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन एंड टैकीकार्डिया. सो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है हमारे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के? नैरो एंगल ग्लूकोमा में आप नहीं दोगे, BPH में नहीं देंगे एंड सर्टेन हार्ट डिजीज में नहीं देंगे. क्लियर? नेक्स्ट, इसके साथ सेफ्टी पॉइंट क्या है? इट कॉजेज द ए ग्रेनुलोसाइटोसिस. सो इट शुड बी इन्फॉर्म्ड इन केस ऑफ फीवर, सोर थ्रोट, फ्लू लाइक सिम्टम्स. अगर कुछ भी आते तो इसको इन्फॉर्म करने, अगर हमारा TCA वो है तो हम एवरी वीकली हमारा जो है WBCs का चेकअप होगा. ठीक है, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस ये कॉज करता है. द नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है सेलेक्टिव सेरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर्स. सो दीज आर द फर्स्ट लाइन ड्रग इन डिप्रेशन. ठीक है, अगर पेशेंट को डिप्रेशन है तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? SSRIs. दीज आर फर्स्ट लाइन ड्रग होता है. ठीक है, एंड अलाउड देयर एक्सटेंसिव यूज इन एंग्जाइटी में भी यूज करते हैं, फोबियाज में, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स. सो इस क्लास का जो हमारा फर्स्ट ड्रग था वो था हमारा कौन सा? प्रोजैक, जो कि 1987 में स्टार्ट हुआ था. ठीक है, एंड हमारा फर्स्ट जो ड्रग हमारे वैसे आए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे, डिस्कवर हुए थे, वो था मोनोअमिनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आर फ्लुक्सटाइन, पैरोक्सटाइन, सर्टालिन, सिटालोप्रम. ठीक है, नेक्स्ट इज आर द साइड इफेक्ट्स. साइड इफेक्ट, नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, डिस्काइनेशिया, हेडेक, वेट गेन एंड डायरिया. ओके, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो इसका भी मोड ऑफ एक्शन सेम है. लाइक ये हमारा प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग है ना, तो यहाँ पे हमारा 5-HT रिसेप्टर्स हैं. ठीक है, यहाँ से हमारा सेरोटोनिन रिलीज होता है
ठीक है, ये हमारा पोस्ट साइनेप्टिक नर्व एंडिंग पे रिसेप्टर साइट है, यहाँ पे ये आए, ठीक है, एंड देन वापस हमारा रीअपटेक होता है इनका, ठीक है. बट यहाँ पे ये SSRIs क्या कर देंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे और रीअपटेक नहीं होगा, तो यहाँ पे इनका कलेक्शन हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा और मूड एलिविएट कर देंगे. ठीक है, आपको ये वाली जो फिगर है ना, यही सब में है, बस डिफरेंस किसका है, हमारा डिफरेंस है हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ये रिसेप्टर साइट्स का, कि कौन सा एंड कौन सा हमारा लाइक न्यूरो ट्रांसमीटर उसका डिफरेंस है. ओके, नेक्स्ट इसके साथ सेफ्टी कंसर्न क्या होता है, रेयर बट पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग होता है, वो है हमारा सीरोटोनिन सिंड्रोम. ठीक है, सीरोटोनिन सिंड्रोम जो पेशेंट SSRIs ले रहे हैं. सीरोटोनिन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें मान लो हाई लेवल ऑफ सीरोटोनिन हो गया, ठीक है, मान लो हम SSRIs दे रहे हैं तो रीअपटेक नहीं हुआ हमारा, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इट कैन कॉज सीरोटोनिन सिंड्रोम. ठीक है, हमारा सीरोटोनिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, इसमें इसमें हमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे, एजिटेशन, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशंस, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, फास्ट हार्ट रेट और वी कैन से टैकीकार्डिया, चेंजेस इन BP, फीवर, डायफोरेसिस, हाइपर रिफ्लेक्सेस, वॉमिटिंग एंड द सीजर्स. क्लियर. नेक्स्ट इज सीरोटोनिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन री अपटेक इनहिबिटर्स. द मोड ऑफ एक्शन इज सेम, हेयर वी हैव द लाइक सीरोटोनिन वगैरह रिलीज होके पोस्ट साइनेप्टिक सेल्स पे जा रहे हैं, देन इसका री अपटेक होता है, तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ को ब्लॉक कर दिया, SNRI यहाँ पे रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी तो ये री अपटेक नहीं हो पा रहा. ओके, सो ये क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे सीरोटोनिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन लेवल्स इन द ब्रेन. एग्जाम्पल इज डुलोक्सेटाइन एंड वेनफ्लेक्साइन. ओके, सो इनके साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, इंसोमनिया, डायफोरेसिस, एंग्जाइटी, हेडेक, एबनॉर्मल विजन एक्सेट्रा. ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. सो इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट कर सकते हो एंड पूछ सकते हो. सो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, मोड ऑफ एक्शन के लिए ये वाला वीडियो आई एम शोइंग यू इट अगेन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे जाता है, वापस री अपटेक होता है, बट अगर हम एंटी डिप्रेसेंट देंगे तो री अपटेक को इनहिबिट कर देगा. ठीक है सर, फिर हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ा था, MAOIs, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, SSRI एंड SNRI. आपको सबके एग्जांपल्स याद रखने हैं, मेन इनके साइड इफेक्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं, ब्लर्ड विजन होता है, वेट गेन होता है, देन सेक्शुअल डिसफंक्शन होता है, तो वो सब आपको पेशेंट को टीच करने हैं. देन मैंने आपको हर एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ क्या क्या सेफ्टी कंसर्न आपको देखना है वो सब मैंने बताए हैं. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.